आगे चलते हुए एक जिज्ञासा सब लोगों की बहुत है, वो ये है कि लोकसभा चुनाव एक तरीके से सब कह रहे हैं डन डील है, कोई इसमें खास बात नहीं है, लेकिन असेंबली के लिए आपके लिए फिर एक प्रश्न आएगा कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित हो कि ना हो, और हो तो कौन हो? पहले तो मैं आपको ये कहता हूँ कि हाँ, हमको पूरा कॉन्फिडेंस है हम लोकसभा जीतेंगे, अच्छे तरीके से जीतेंगे, 400 पार जाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको डन डील समझकर चल रहे हैं। हम कॉम्प्लेसेंट नहीं है, हम पूरी मेहनत करेंगे, हम लोगों तक जाएंगे, अपने मेहनत के बलबूते पर, मोदी जी के काम के बलबूते पर हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। जहाँ तक विधानसभा का सवाल है, उसको बहुत समय है, विधानसभा से पहले हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी तय करेंगे, हम लोग फेस के साथ जाएंगे, बिना फेस के जाएंगे, क्या जाएंगे, इसका सारा निर्णय हम लोग मिलकर करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था तय करती है कि किस प्रकार से चुनाव लड़ना है, तो इसलिए इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, मेरे को अधिकार भी नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही ऑब्वियस सा एक्सपेक्टेशन होगा कि जो अभी की परिस्थिति दिख रही है उसमें बीजेपी उस पद की दावेदार हो असेंबली चुनाव में। ये दावेदारी का सवाल ही नहीं है। आप जब अलायंस में होते हैं तो आपको कुछ चीज़ें मिलती है, कुछ चीज़ें नहीं मिलती, कुछ आपको लेना पड़ता है, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और राजनीति में आज का छोड़ दीजिए, कल का कोई क्या प्रेडिक्ट करे, इसलिए उस समय की जो परिस्थिति होती है, अब किसी ने ये विचार किया था कि 2019 में हम साथ में लड़ेंगे, साथ में चुनकर आएंगे और उसके बाद कुर्सी के लिए उद्धव जी उधर चले जाएंगे? इसलिए राजनीति में मुझे ऐसा लगता है कि इतने जल्दी सारी चीज़ें बोलना ये भी बहुत कठिन है। उस समय की जो परिस्थिति होगी उस परिस्थिति के अनुरूप हम लोग चुनाव में आगे जाएंगे। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, यही गठबंधन जाएगा, यही मुख्यमंत्री उस समय मुख्यमंत्री होंगे, ये भी मैं आपको बोल देता हूँ।